जादुई लोटा। राजू नामक एक लड़का था। राजू अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाता है। गांव का वातावरण बहुत सुंदर था। गांव के आसपास बड़े बड़े पहाड़, झरने, मंदिर थी। उसे गांव बहुत अच्छा लगता था। राजू के दादा दादी बहुत बूढ़े थे। उन्हें अपने काम खुद से करने में तकलीफ होती थी। राजू के दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं था। बेचारी दादी को ही घर का पूरा काम, खेत का काम करना पड़ता था। इस दौरान उन्हें काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। ये सब देखकर राजू अपनी दादी से कहता है, आप मेरे साथ शहर चलो। ये सुनकर दादी राजू से कहती है, तेरे दादाजी को ये गांव बहुत प्यारा है, इसलिए हम नहीं आ सकते। दादी राजू से कहती है, राजू मेरे लिए तुम एक काम करोगे? ये सुनकर राजू कहता है, बोलिए दादी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पता है तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। मुझे काम करने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है राजू, इसलिए तुम पास के जंगल में से एक अच्छी सी हाथ की छड़ी ला सकते हो। बस इतनी सी बात है दादी, आपके लिए मैं अच्छी सी हाथ की छड़ी अभी लेके आता हूँ। दादी के लिए हाथ की छड़ी लाने राजू जंगल की ओर जाता है। जंगल मंदिर से बहुत पास का रास्ता है, इसलिए उधर से जंगल के ओर जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद राजू जंगल में पहुंच जाता है। अपने दादी के लिए हाथ की छड़ी ढूंढने लगता है। उसे एक अच्छी छड़ी मिलती है। उसे लेकर अपने घर के ओर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद राजू को जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना पीतल का लोटा दिखाई देता है। उसे देखकर सोचने लगता है कि मैं इसे भी दादी को ले जाकर दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। राजू घर पहुंचते ही अपने दादी से कहने लगता है, मैं आपके लिए हाथ की छड़ी के साथ कुछ और भी लाया हूँ। ये सुनकर दादी कहने लगी, मेरे लिए तुम क्या लाए? राजू ने कहा, मैं आपके लिए हाथ की छड़ी लेकर आ रहा था। मुझे जंगल में एक पेड़ के नीचे ये पीतल का लोटा भी मिला, ये भी मैं आपके लिए लाया हूँ दादी। दादी ने कहा, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम उसे वहाँ रख दो। उसी दिन रात को दादी ने उस पीतल के लोटे को साफ किया और उसमें पानी भरकर राजू के दादाजी के चार पाई के पास उसे रख दिया। जब रात को राजू के दादाजी को प्यास लगती है तो उन्होंने लोटे में जो पानी था उसे पीकर सो गए। सुबह क्या देखते हैं कि राजू के दादाजी जो बीमार थे वह उठकर बैठने लगे हैं। ये नज़ारा देख राजू और उसकी दादी बहुत खुश हो जाते हैं। सुबह राजू की दादी ने उसी लोटे से पानी पिया तो उनकी कमजोरी भी दूर हो गई। तीसरी बार राजू के दादा ने फिर से उसी लोटे से पानी पिया, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चलकर घर से बाहर आते हैं। ये नज़ारा देखकर राजू उसकी दादी को पता चलता है कि ये जादुई लोटा है। राजू एक सिक्का लोटे में डालता है तो वो दुगना हो जाता है। फिर से राजू उसमें सोना डालता है, सोना भी दुगना हो जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौरान वो लोग कम समय में बहुत धनवान भी हो जाते हैं। जादुई लोटे के कारण वो जो मांगते उन्हें सब कुछ मिलता रहा। इससे वे दूसरों की मदद भी करने लगे। उसी गांव में एक आदमी इन लोगों का अवलोकन करने लगा। ये पता करना चाहता था कि वो लोग कैसे अमीर बन गए। एक दिन आधी रात को वो उनके घर में चुपके से जाता है। घर में बहुत अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में घर में कुछ आवाजों को सुनकर राजू अपने नींद से जाग जाता है। उसे पता चलता है कि घर में कोई चोर आ गया है। राजू चुपके से जाकर लोटे को छूता है। लोटे को छूते ही एक लाठी हाजिर हो जाती है। लाठी से राजू कहता है कि चोर को मारकर भगाए। राजू की बात मानकर लाठी
चोर को उस घर से मार कर भगा देता है। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान से हमें जो भी मिलता है उससे हम दूसरों का भी मदद करें। यही अच्छी आदत राजू और उसके दादा दादी को भी चोर से बचाया था। अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हो सके तो दूसरों की मदद करनी चाहिए।